This segment is brought to you by a Star Worldwide money transfer. ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक। ज़रा जो आप गैलरीज़ में हैं, ज़रा मेहरबानी करें और हाउस का माहौल ख़राब ना करें, मेहरबानी करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, आप यूँ ना करें, आप आराम से बैठें और सुनें। मेजर साहब, मैं ये बात कर लूँ फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैं अपनी जानिब से और असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से आपको बतौर रुकन सूबाई असेंबली पंजाब मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सूबा पंजाब के अवाम ने जो आप पर एतमाद किया है आप उस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपनी मंजिल पर कामयाब व कामरान करे, आमीन। और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हौसला भी पैदा करे कि एक दूसरे की बात तसल्ली से सुने। इसके बाद सेक्रेटरी असेंबली से कहूँगा कि वो पैनल ऑफ चेयरमैन्स का ऐलान करें। तरतीब से चार मोअज़्ज़ज़ अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स नामज़द फरमाया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान MPA PP 179, मोहतरमा रहीला नईम MPA W 304, सैयद अली हैदर गिलानी MPA PP 213, मोहतरमा साइमा कमल MPA PP 260। इससे पहले कि आपको हलफ के रजिस्टर पर दस्तखत करने की दावत दी जाए, सेक्रेटरी असेंबली ज़रूरी ऐलानात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं हलफ के रजिस्टर पर दस्तखत करने के लिए आपको दावत दूं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बारे में चंद ज़रूरी ऐलानात समाअत फरमाएँ। कल बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी 2024 के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ये इंतखाब खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होगा। इंतखाब का तरीक़ाकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 9 और 10 में दिया गया है। इंतखाब से एक दिन कबल यानी आज 23 फरवरी 2024